हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सब लोग का यात्रिया से ब्लॉग्स में। और दोस्तों, आज मैं आपको मुगल दौर की बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ जो कि एक म्यूजियम में आज के टाइम पे रखी हुई हैं। और खास करके जो शाहजहां के टाइम की बहुत सी चीजें थी, उसकी तलवार और उसके बहुत से कपड़े और बहुत सी उसकी पर्सनल चीजें, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, आप अब तक गैस कर चुके होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं हूँ लाल किले में, और लाल किला का मैं पहले ही ब्लॉग बना चुका हूँ, तो ज्यादातर जो चीजें यहाँ पे हैं हम उनको कवर नहीं करने वाले हैं। हम डायरेक्टली आपको मैं म्यूजियम लेके चलता हूँ। मेरा कहने का मतलब था म्यूजियम में, यहाँ के म्यूजियम में मुगल दौर की बहुत सी चीजें रखी हुई हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको मुगल दौर की सारी चीजें आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और पहले तो ये आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस में कि ये जो है पीछे, ये है दीवाने आम, जहाँ पे शाहजहां या फिर उसके बाद के जो भी राजा थे वो आम लोगों को सुना करते थे, उनकी शिकायतों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे यहाँ पे बैठ के। और आपको वो चेयर भी दिखाऊंगा जहाँ पे, जिस कुर्सी पे कोहिनूर कहते हैं लगा हुआ था, और उसी कुर्सी पे शाहजहां बैठा करता था। और सामने ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी जनता बैठती थी और अपनी प्रॉब्लम को साझा करती थी राजा के साथ। और दोस्तों, सामने जो आप सिंहासन देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पे शाहजहां बैठा करता था और आम जनता को सुना करता था। और कहते हैं इसी सिंहासन के ऊपर एक पीकॉक थ्रोन बना हुआ था, जिसके ऊपर बहुत बेसकीमती हीरे लगे हुए थे, और जिसमें एक कोहिनूर भी था, जिसको सारे के सारे हीरो को ब्रिटिशर्स ले गए छुटा के। और दोस्तों, अब टाइम है म्यूजियम जाने का, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सो गाइस, मैं अंदर आ चुका हूँ म्यूजियम के, और सबसे पहले बात कर लेते हैं टिकट की। तो इस म्यूज़ियम में एंट्री के लिए आपको 21 रुपये टिकट देना होगा, जो कि आप लाल किले का टिकट लेते समय ही आप उसके साथ में ही टिकट ले सकते हैं। और अगर आप इससे भी अच्छा है एक म्यूज़ियम, यहाँ पे दो म्यूज़ियम है, दूसरा वाला म्यूज़ियम है उसमें कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, मैं भी उसको नहीं अभी तक गया हूँ क्योंकि उसका टिकट 100 रुपये है। तो ये चीज़ें देखने के लिए 100 रुपये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप करके रखा है। पर इतना कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस म्यूज़ियम में आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ ही बंदूकें ने रखी हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से लगभग हटा चुके हैं, और एक दो चीज़ें तो मेरे सामने ही हटा रहे थे। तो आप ये सामने जो बंदूकें देख रहे हैं, ये उसी टाइम की बंदूकें हैं, उसी टाइम के ये हथियार हैं जो कि मुग़ल दौर के लोग इस्तेमाल करते थे। और मुग़ल दौर के लोग खास करके जैसे बहादुर शाह जफर और उनके साथ के लोग, जैसे कि नाना साहेब को आप जानते होंगे, जो बाजीराव मस्तानी मूवी है उसमें एक कैरेक्टर दिखाया है नाना साहेब। तो इन सारे लोगों की ये पुराने काल की चीज़ें हैं, जैसे कि तलवार, चाकू और तीर कमान, बहुत सारे अलग अलग तरीके के तीर जो उस टाइम पे इस्तेमाल होते थे, उस टाइम पे तीर अलग ही तरीके के इस्तेमाल होते थे, और साथ ही साथ बहुत सारी बंदूकें जो कि उस टाइम तक लगभग डिस्कवर हो चुकी थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और बाकी कुछ उनके द्वारा लिखे गए नोट्स थे, जैसे कि नाना साहेब के द्वारा लिखा हुआ नोट्स भी थे। और बाकी इसके अलावा ये सारी की सारी हिस्ट्री को बता रहे थे, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके ये सारी की सारी हिस्ट्री बता रहे थे, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा देखने लायक नहीं था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप जाते हो म्यूज़ियम में, तो इस म्यूज़ियम में जा सकते हो, बाकी 100 रुपये वाला जो म्यूज़ियम है उसमें नहीं जाओ, क्योंकि वहाँ मेरे हिसाब से इतना कुछ नहीं होगा। बस इन्हें हाइप करके रखा है और रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे हैं। ये चीज़ें देखने के लिए असल में फ्री में होनी चाहिए आम जनता के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को मैं डब कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोलना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आवाज़ को बाद में डाल रहा हूँ। और बाकी आप इस वीडियो को एंजॉयमेंट कीजिए, ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री तो थोड़ी बोरिंग होती है, पर ये जानना भी ये चीज़ें ज़रूरी होता है, तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो को।